महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्यसभा के उपसभापति जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय राज्य मंत्री जी, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष जी, सभी माननीय पीठासीन अधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण और सभी विशिष्ट अतिथिगण, आज भारत की विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। गुजरात की ये पावन पवित्र भूमि माँ नर्मदा के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के छत्र में एकत्रित होना अपने आप में अद्भुत है। गुजरात हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। ये धरती आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो धरती है जिन्होंने संविधान रचना करने में विशेष भूमिका निभाई, जिनकी प्रेरणा से ये संविधान बना और आज हम सब संविधान सभा द्वारा आयोजित 71वीं वर्षगांठ पर के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में यहां पर पधार हैं। मैं इस मौके पर विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति जी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार यहां उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सब पीठासीन अधिकारी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी भी चेन्नई से यहां पधारे, उनका भी हम सब पीठासीन अधिकारी कृतज्ञता अनुभव करते हैं। विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के रूप में हम सबके लिए ये उपयुक्त अवसर है कि हम इस संविधान दिवस पर अपने संवैधानिक दायित्वों पर विचार करें और अपने महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लें। हम सभी देश की जनता के हितों, उनकी चिंताओं, आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। एक सशक्त किंतु संवेदनशील विधायिका भी इस संविधान की अनुपम देन है। इस संविधान ने देश की संसद और राज्यों की विधानमंडल को
जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का आधार प्रदान किया है। आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति धड़ रखकर अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने हुए समाज के आखिर व्यक्ति के उत्थान और कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजनीति के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र के सपनों को पूरा करने के लिए ये विधायिका और अधिक सक्रियता से काम कर रही है। ये विधायिका का दायित्व है कि सदन में अभिव्यक्त जनभावनाओं का समुचित कार्यान्वयन हो तथा कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाई जाए। इस सम्मेलन में विचार विमर्श करने हेतु हमने तीनों लोकतंत्र के स्तंभ, उन पर विशेष रूप से किस तरीके से हम आपस में समन्वय बनाकर और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व और देश के लोकतंत्र के सतत विकास के लिए ये विषय आज के संदर्भ में समसामयिक है। हम सबका मकसद जनता के हितों का संरक्षण करना ही है। अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध है। आइए इस अवसर पर हम सब नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा छोटा सा प्रयास नागरिकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मुझे पूरी आशा है यहाँ सभी उपस्थित प्रतिनिधि अपना रचनात्मक योगदान देकर एक सार्थक चर्चा कर हम लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम करेंगे। लोकतंत्र की इस लंबी यात्रा में संस्थाओं के कार्यकरण में कुछ मतांतर सामने आए हुए हैं जो स्वाभाविक भी हैं। इस संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत प्रक्रियाओं में सुधार और उसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं इस मौके पर यहाँ पधारे सभी पीठासीन अधिकारी जो अपनी अपनी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका दायित्व होता है कि हम अपनी संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त करें, मजबूत करें, जनता के प्रति जवाबदेह बने, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे आशा है कि हम दो दिवसीय सम्मेलन के माध्यम से संविधान की मूल भावनाओं के आधार पर हम इस लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, जवाबदेह बनेंगे। और इसीलिए हम सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं, अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी अपनी संस्थाओं के नवाचारों को आदान प्रदान कर जनता के प्रति इन संस्थाओं को और जवाबदेही बनाते हैं। मैं इस मौके पर विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र भूमि, प्रेरणा स्रोत भूमि पर हमें दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन किया। मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, सभी पधारे अतिथियों का, पीठासीन अधिकारी के अध्यक्ष के रूप में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विषम परिस्थितियों के अंदर इस सम्मेलन में यहाँ पधार कर हमारा मार्गदर्शन किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए
हमें सही दिशा देने का काम किया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।